स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, इंडिया में आज वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जिनमें बड़ी संख्या में स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज मौजूद हैं। वैसे तो कई सेंचुरीज पहले इंडिया में ग्रैंड ट्रंक यानी जीटी रोड जैसी बड़ी सड़क मौजूद थी, जिसे एंशियंट इंडियन टाइम्स में उत्तरापद भी कहा जाता था, जो गंगा के किनारे बसे अनेक प्राचीन शहरों को पंजाब से जोड़ते हुए खैबर दर्रा पार करते हुए अफगानिस्तान तक जाती थी। मौर्य काल में इसी उत्तरापद के जरिए बुद्धिस्म धर्म गंधार तक पहुंचा था। दोस्तों, एंशियंट जीटी रोड ही आज इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-44 है, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होते हुए तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। इंडिया के इस सबसे लॉन्ग हाईवे में हिस्टोरिकल जीटी रोड को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, आज के वीडियो डिस्कशन में हम इसी नेशनल हाईवे 44 की बात करने वाले हैं, जहां हम NH-44 की लेंथ और इसके फीचर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इस हाईवे के डेवलप होने से किन किन स्टेट्स और सिटीज को फायदा हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS-3 के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी आईक्यू के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया, और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी आईक्यू ने प्रण लिया है कि यूपीएससी सीएससी 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को एंश्योर करने के लिए स्टडी आईक्यू अपना पहला लाइव फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा, और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ hours का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेके रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स, और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14th of November इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में रोड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्लोबली किसी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने का एक पैरामीटर उस कंट्री में रोड्स का प्रोग्रेस भी होता है। यही वजह है कि इंडिया में कई सिटीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है। रिमोट एरियाज में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करने और बढ़ाने के डायरेक्शन में साल दर साल देश की हर एक सरकार ने अनप्रेसिडेंटेड वर्क किया है। यही वजह है कि जहां ईयर 1950 एंड 51 में नेशनल हाईवेज की लंबाई मात्र 19,811 किलोमीटर थी, वो आज बढ़कर 1,40,995 किलोमीटर हो गई है। वहीं साल 2025 तक इंडिया में 2,00,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे के नेटवर्क डेवलप हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI आज वर्ल्ड क्लास लेवल के नेशनल हाईवेज का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। वहीं हाईवेज पर एक्सीडेंट रिड्यूस करने के लिए कुछ हिस्सों में जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर को भी अडॉप्ट किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में इंडिया में 200 से ज्यादा नेशनल हाईवेज हैं, साथ ही देश में बड़ी संख्या में एक्सप्रेसवेज भी डेवलप किए जा रहे हैं। इन सभी रोड्स का अपना अलग इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच बन रहा है, जिसकी फुल लेंथ 1350 किलोमीटर है। इसे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे भी माना जा रहा है। वहीं अगर नेशनल हाईवेज की बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 44 इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा लंबा है। नेशनल हाईवे 44 की अप्रॉक्स लेंथ 3,806 किलोमीटर है। यह हाईवे देश के 7 हाईवेज को मिलाकर बनाया गया है। यह हाईवेज NH-1A, NH-1, NH-2, NH-3, NH-75, NH-26 और NH-7 है, यानी देश के सबसे लंबे और पुराने ग्रैंड ट्रंक यानी जीटी रोड के हिस्से को भी NH-44 में शामिल किया गया है। दरअसल, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के सामने देश के चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ने के उद्देश्य से ईयर 1999 में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इसके बाद ईयर 2001 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत 5,846 किलोमीटर हाईवेज का कंस्ट्रक्शन किया गया था। साथ प्रोजेक्ट के तहत पुराने 2-लेन और 4-लेन हाईवेज को
4, 6 और 8 लेन में भी अपग्रेड किया गया। इन सब के अलावा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन भी शुरू किया गया था। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के तहत जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे, जो पहले NH1A के नाम से जाना जाता था, उसे NH1 से जोड़ा गया था। पंजाब हरियाणा से होते हुए देश की राजधानी दिल्ली तक जाता था। इसके आगे डेवलप किया गया NH2, जो दिल्ली से शुरू होकर आगरा में खत्म होता था। फिर बारी आई NH3 की, जो आगरा मुंबई नेशनल हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आगरा से ग्वालियर तक NH75, ग्वालियर से झांसी तक NH26 और लखनऊ से सियोनी, नागपुर, आदिलाबाद, निर्मल, कामारेड्डी, हैदराबाद, कुरनूल, अनंतपुर, बैंगलोर, धर्मापुरी, सलेम, नमक्कल, करूर, मदुराई, कोविलापट्टी और तिरुनेलवेली को होते हुए NH7 जाता है। इन सभी को अपग्रेड करने के बाद इन्हें एक साथ मिलाकर NH44 कहा गया है। NH44 इंडिया के नॉर्थ एंड को साउथ एंड से कनेक्ट करता है। अगर आप इंडिया के रिच कल्चर के ग्लिम्स को देखना चाहते हैं तो आप NH44 पर ट्रैवल कर सकते हैं। इस यात्रा के दौरान आपको जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। इस हाईवे से आपको बर्फ से ढके पहाड़ से लेकर हरे भरे खेत, झील, नदियां और जंगल का पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, नेशनल हाईवे 44 के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ये नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर वेस्ट में गुजरात तक फैला हुआ है। कहते हैं कश्मीर इंडिया का मस्तिष्क है और कन्याकुमारी चरण। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडिया एक है और इन राज्यों के बीच सभी स्टेट्स और सिटीज को आपस में जोड़ने का काम करता है नेशनल हाईवे 44, जो कि इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ये देश की एक यूनियन टेरिटरी और 10 स्टेट से होकर गुजरता है। इनमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल है। ये जम्मू कश्मीर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। इस हाईवे की शुरुआत जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर से होती है। वहां से ये हाईवे अनंतनाग से होते हुए पंजाब में पठानकोट, लुधियाना और जलंधर को कनेक्ट करता है। इसके बाद ये हाईवे हरियाणा से होता हुआ उत्तर प्रदेश में आगरा और मथुरा तक जाता है। इसके आगे ये हाईवे मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर तक पहुंचता है। इसके बाद साउथ में ये तेलंगाना के आदिलाबाद और आंध्र प्रदेश के कुरनूल से गुजरता है। फिर कर्नाटक के कैपिटल बेंगलुरु से होते हुए तमिलनाडु में एंटर करता है, जहां मदुराई के बाद इस हाईवे का लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट कन्याकुमारी है। अगर हम इस हाईवे के सबसे बड़े सेक्शन की बात करें तो ये तमिलनाडु में मौजूद है। NH44 का 627 किलोमीटर का हिस्सा तमिलनाडु में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में 504 किलोमीटर और तेलंगाना में भी 504 किलोमीटर का हिस्सा है। फिर जम्मू कश्मीर में 304 किलोमीटर, पंजाब में 254 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 250 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 232 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 189 किलोमीटर, हरियाणा में 184 किलोमीटर और कर्नाटक में 125 किलोमीटर का हिस्सा है। वहीं अगर हम इस हाईवे की सबसे छोटे हिस्से की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, जहां ये हाईवे 11 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। नेशनल हाईवे 44 इंडिया के करीब 21 सिटीज को आपस में कनेक्ट करता है। इनमें श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, जलंधर, लुधियाना, अंबाला, करनाल, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, नागपुर, हैदराबाद, बैंगलोर, धर्मापुरी, सलेम, करूर, मदुराई, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी शामिल हैं। वहीं नेशनल हाईवे 44 देश के स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। दरअसल NH44 से पाकिस्तान बॉर्डर पास है, इस लिहाज से ये स्ट्रेटजिकली बेहद अहम है। पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक जाने वाले इस हाईवे से पाकिस्तान बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। कुछ रीजन में तो NH44 से पाकिस्तान बॉर्डर सिर्फ 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये पठानकोट एयरबेस के काफी पास है। NH44 पठानकोट से होते हुए उधमपुर, अनंतनाग, श्रीनगर और उरी तक जाता है। यह हाईवे इसलिए भी बेहद अहम है कि पाकिस्तान से इंडिया में घुसपैठ करने वालों को पंजाब से सटा बॉर्डर ज्यादा रास आता है। ऐसे में इंट्रूजन प्रिवेंशन के लिए NH44 बेहद इंपॉर्टेंट है। पठानकोट जम्मू हाईवे पर इंडियन आर्मी की चौकस निगाह रहती है और 24 घंटे इस रीजन में चौकसी की जाती है। वहीं नेशनल हाईवे 44 के कंस्ट्रक्शन में एनवायरमेंट का भी खास ख्याल रखा गया है। ये हाईवे मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क से गुजरता है। ऐसे में नेशनल पार्क में मौजूदा एनिमल्स के मूवमेंट से डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए इस रीजन में हाईवे के नीचे अंडर पास बनाए गए हैं। ब्रिज के ऊपर से व्हीकल्स पास करते हैं और नीचे से एनिमल्स का अनइंटरप्टेड मूवमेंट होता रहता है। इस अंडरपास की लेंथ 750 मीटर है, यानी करीब 2460 फुट के करीब, जो कि वर्ल्ड में एनिमल्स के लिए सबसे बड़ा अंडरपास है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने 225 करोड़ की लागत से 9 अंडरपास बनाए हैं।
दरअसल जब NH44 को 2 से 4 लेन में अपग्रेड करने की बात हुई थी, तभी इस रीजन में इस प्रोजेक्ट को इसी शर्त पर अप्रूवल मिली थी कि डेंसली फॉरेस्टेड एरियाज में एनिमल्स को गुजरने के लिए एनिमल क्रॉसिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। NH44 पर 255 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा खर्च करके जानवरों को गुजरने के लिए 4 स्मॉल ब्रिज और 5 एनिमल अंडरपास बनाए गए। इनकी हाइट 5 मीटर तक रखी गई है ताकि बड़े जानवर भी इसके नीचे आसानी से निकल सकें। ये अंडरपास और ब्रिज 16 किलोमीटर के दायरे में बनाए गए हैं ताकि जानवरों के टकराने से होने वाले एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। इसके अलावा इन स्ट्रक्चर में जानवरों के मूवमेंट्स पर निगरानी रखने के लिए 78 कैमराज भी लगाए गए हैं। NH44 पर अंडरपास के बनने के 10 महीने बाद रिकॉर्डेड वीडियो के मुताबिक 10 महीनों में 18 तरह के 5,450 वाइल्ड एनिमल्स का मूवमेंट इस अंडरपास से देखा गया। इनमें 89 टाइम्स टाइगर्स के गुजरने की घटना दर्ज की गई। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन अंडरपासेस से कितने एक्सीडेंट से बचाव हो सकता है। NH44 पर बने अंडरपास की सफलता के बाद अब NHAI देश के ऐसे सभी नेशनल हाईवे पर एनिमल अंडरपास बनाने की तैयारी में है जो फॉरेस्ट रीजन से गुजरते हैं। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 44 समेत देश के सभी हाईवेज के डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की जिम्मे है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया के अंडर गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। NHAI को 1988 में एस्टैब्लिश किया गया था। दोस्तों, नेशनल हाईवे 44 कई मायनों में इंडिया के लिए बेहद अहम है। इसने साउथ की सिटीज को नॉर्थ की सिटीज से कनेक्ट करने में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हो सका है। इस हाईवे के थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अलावा गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स को कैरी करने में काफी सहूलियत हुई है। वहीं स्ट्रेटेजिकली भी NH44 काफी इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए देश के ज्यादातर स्टेट से पंजाब और जम्मू कश्मीर से सटे इलाकों में आर्मी डिप्लॉय करने में सहूलियत भी मिलती है। हालांकि NH44 पर कई जगह सड़कें टूटी हुई हैं। साथ ही इससे जुड़े सर्विस लेन की भी हालत काफी खस्ता है। कई इलाकों में जाम की भी प्रॉब्लम रहती है। ऐसे में इस दिशा में काम किया जा रहा है। कई रीजन में NH44 को 6 लेन भी बनाया जा रहा है। वहीं एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए कई तरह के सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में नेशनल हाईवे 44 इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे होने के साथ साथ बेस्ट हाईवे भी बन जाएगा, जिससे कि वर्ल्ड क्लास रोड को टक्कर दी जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इस दिशा में काफी प्रयास कर रहे हैं। गडकरी जी हमेशा ही इंडिया की सड़कों को USA के लेवल का बनाने की बात करते रहे हैं और इस डायरेक्शन में उनके एफर्ट्स भी शानदार रहे हैं। उम्मीद है इंडिया का ये लॉन्गेस्ट हाईवे देश को प्रगति और उन्नति की राह पर ले जाए। और दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, रोड इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉन विच डेवलपमेंट ऑफ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिपेंडेंट। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।